अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय एल्ड्रा व्लॉग। ठीक है, आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज क्या है, 29 रजब है और चांद नहीं हुआ शाबान का। और मम्मा ने डिसाइड किया था कि अगर शाबान का चांद रहेगा तब नज़र रख लेंगे, या नहीं होगा तब भी हम नज़र रखेंगे, पर संडे को ही रखेंगे। हमारी कल नज़र है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमने कज़न्स को बुलाया है, वो भी थोड़े कम कज़न्स को बुलाया। तो अभी हमने टिकिया बना दी है, मतलब प्याज क्या गाजर वगैरह काट के रख दिया है। अम्मा सारे प्याज सौदा ले आई थी, कहीं इतना कम सौदा में ना, इतना कम सौदा आया और इतना सारा भी लाया, मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है। तो आज मम्मा सौदा ले आई थी और हमने सौदे में से गाजर और प्याज काट के रख दिया। मेरी कज़न तो कहीं भी आई हुई थी, मैंने सारा काम करवा लिया थोड़ा बहुत, बाकी सफाई वगैरह काम और सजवाने वगैरह का काम सुबह ही होगा, क्योंकि सुबह मासी आएगी तो उससे सफाई करवाएंगे। अम्मा ने कहा सुबह 11 बजे उठ जाना, क्योंकि 5 बजे तक हमें रेडी होना है और 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे नजर है, क्योंकि यार 10 बजे के बाद गेस्ट चली जाती है। वो मसला नहीं है, 10 बजे के बाद बस 10 बजे सही है ना, बस रोड लेट हो जाता है फिर, बस सही, बस सुबह स्कूल भी जाना है मुझे। ओ सॉरी, कल नहीं, मंडे को जाना था, इसलिए मंडे दिन दोबारा स्कूल खुल रहे हैं। और अभी मैंने बहुत दिनों बाद, नहीं कुछ दिनों बाद ही ब्लॉग बनाया है गेस, और जो मैंने बना इससे पहले वाला ब्लॉग है वो मैं कब से बना रखा था, मैंने इतने दिनों बाद अपलोड किया है। और क्या कहते हैं, वो अभी बज रहे हैं, मुझे मेरे तो फ्लैश लाइट में पड़ी ना, मुझे कुछ दिखता ही नहीं गाइस। तो अभी बज रहे हैं 1:25 हो रहा है, तो अभी हम मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर बाद, कभी मैं दिखाती हूँ। तो मम्मा ने आपको टिकिया कैसे बनाई, तो गाइस आप देख सकेंगे, प्याज थोड़ी सी जो वो वाली है, जो क्या कहते हैं उसको, हाँ ये वो वाली प्याज है जो मतलब काटते काटते बच गई थी। मम्मा ने कहा छोड़ो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा, मैंने काटी गाइस। गाइस देख सकते हैं, मम्मा ने सारी टिक्किया बना दी है, यह सारी टेबल फैली हुई है, देख सकते हैं गाइस आप देख। गाइस ये मेरी मेहनत का फल, मैंने ये काटी, गाजर खा गई पता, गाजर भी काटी थी, प्याज काटी मैंने अकेले। गाइस देख सकते हैं, मम्मा शीर कौरमा बना रही है, यहाँ पर क्या कहते हैं खीर बना रही है, मुझे नहीं पता कि सुबह कंफर्म करके बताऊंगी, और सुबह बहुत काम है, अगर थोड़ा बहुत ब्लॉग बन सका तो बनाओ, वरना अगर नहीं बना पाई तो फिर भी बना लूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि बनाना पड़ेगा, लंबा ब्लॉग करना है इसलिए। देखा कि मैंने कैसे गाजर काटी और क्या कहते हैं वो प्याज काटी भी और छीली भी। तो अभी मैंने इस तरह काम कर लिया, मैंने किया मतलब दूध भी कर लिया था, तो पूरी टेबल फैली हुई थी गाइस, क्योंकि आप नज़ारा करें तो ऐसे ही होगा। अब मैं सुबह उठ के अभी मैं सोने जाऊँगी थोड़ी देर बाद ही सोऊंगी, फ़ौरन से सोने नहीं आ रही हम, ऐसे हम हैं नहीं, तो थोड़ी देर बाद सोऊंगी, फिर मैं आपको सुबह उठ के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या काम करा और हमने घर कैसे सजाया, भाई क्या क्या बना था, मम्मा ने क्या क्या बनाया है, मैं सब दिखाऊंगी। बस आप मेरे साथ मेरा एंड तक व्लॉग देखें। इसी के साथ गाइस मेरी सुबह हो गई थी, अभी हो रही है 1:30, पर मेरी 1:30 हो रहा है, देख के आपको सुबह, हाँ गई अभी हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, और मेरी सुबह हुई थी 12 बजे। मैंने नाश्ता सब कर लिया है, अब बस थोड़ा सा काम मतलब होता है घर में रह गया है। जैसे हमने ये जो कमरा था हमारा बेडरूम, ये हमने कोई समेटा नहीं है, मतलब अभी सफाई वफाई सब हो गई है, अभी सफाई करने के बाद समेटते हैं ना, वो पता ही नहीं कुछ गई। यहाँ पे आंटी पोछा लगा रही है, मम्मा किचन में काम कर रही है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे चादर बिछ रही है, यहाँ पे तो फर्श बिछ चुका है, अभी आंटी पूछा लगा रही है, इसलिए हम गमले में जाकर बैठ जाएंगे, वरना हमें मस्त डांट पड़ेगी कि तुम घूमने जा रही हो, घूमने जा रही हो। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर में घर मतलब कमरा समेटेंगे, पूरा घर ही समेटना है। अब तक मम्मा खाना बनाई, मम्मा ने खाने बिरयानी बनाई है, और जाने का सारे दही बड़े छोले, और मैंने ज़्यादा खीर मतलब ये कहते हैं खीर या फिर वो क्या कहते हैं खीर बना रही है, फिर शीर कौरमा बना रही है, पता नहीं, ये अम्मा से बनाने पूछेंगे। अभी हम मेरे भाई का नाश्ता देंगे, मेरे भाई बहुत लेट उठा है, मेरा बड़ा भाई लेट गया था, मैं 12 बजे उठी थी, 12:15 पे, वो भी अम्मा ज़बरदस्ती उठाया था उठने, वो कभी नहीं जा रहा था, फिर उनको 4 बजे से उठे हम, इसलिए 4:30 बजे। तो अभी हम क्या कहते हैं कि वो थोड़ी देर में घर पर समेटेंगे, अगर मैं थोड़ा सा और क्लिप बना सकी तो बना लूँगी, अरे मुझे बैठे बैठे खुद ही याद आया कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मैं भूल गई, तो इसलिए मैंने जल्दी से बना लिया, वरना अगर नहीं आता तो फिर क्या होता, ब्लॉग नहीं आ पाती। इस ब्लॉग भी लंबा करना, से 4-4 मिनट के ब्लॉग बनती है, कौन सा ब्लॉग है मेरा, इससे पहले वाला ब्लॉग 10 मिनट का बन गया है, पता नहीं कैसे, अभी इसको भी थोड़ा सा लंबा लेके जाना है, और मैं दिखाती हूँ कि हमारे घर में खाना बन जाएगा पूरा, तब मैं दिखाऊँगी कि आपको मम्मा ने क्या क्या बनाया है, और देखते हैं अभी क्या करते हैं, और मम्मा क्या कर रही है, हम लोग किचन में काम कर रही हैं।
अभी मैं नहा कर आई हूँ और मैंने थोड़ा सा खाना बना ली है, अभी देखते हैं क्या क्या मैंने बनाया है। जितना बन गया आपको दिखाती हूँ, शीरकुरमा वरमा सब तकरीबन बन गया। ये देखें, हमने अपने ड्राइंग रूम में मर्दों का इंतजाम करा है। गाइस ये बिरयानी मतलब बन चुकी है, ये मिक्स वेज है, देखा धुआं निकला, गर्मा गर्म हो रही है बिल्कुल, और ये बिरयानी है। तो अभी मैं तो यही हुई रहती हूँ, बिरयानी कपड़ा लगा इसलिए टेबलों पे औरतों का इंतजाम किया। ये देखें आपको शीरकुरमा। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने तैयार हो चुकी हूँ, आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखिए कि मम्मा ने दही बड़े छोले बना चुके। दही बड़े, इसमें दही डालो, डालो ठंडा पानी डालना, दिखाओगी। गाइस आप देख सकते हैं मम्मा ने हलीम भी बनाया है और यहाँ पर ये शीर खुरमा है और ये दही बड़े हैं और पूरियाँ भी थोड़ी थोड़ी तलेंगे। यहाँ पर अम्मा ने कढ़ाई बनाई जो बहुत खुशबू में बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ छोले का सालन है और यहाँ चने हैं, दही बड़े में डालेंगे, आप देख सकते हैं। गाइस मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी मतलब थोड़ी देर में कजन्स वगैरह सब आएंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे हमने अभी नज़र थोड़ी देर में हम दे देंगे और यहाँ मेरा भांजा सिर्फ गाजर उठा के खाए जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसको। ये मम्मा ने यहाँ शीरकुरमा निकाल लिया मर्दों में और ये टिक्किया थोड़ी सी ना इधर हॉटपॉट में पूरियाँ हैं। कैसी खुल नहीं रहा, रुको मैं खोलती हूँ। हाँ ये खुल गया, इसके अंदर 5 पूरियाँ करके नज़र डलेगी। अभी हम थोड़ी सी और बना लेंगे। ये देखो ये फिर तुमने गाजर खाई। अभी कुछ ऐसा हुआ, सारे मेहमान आए हुए हैं, मैं दिखा नहीं सकती क्यों पता है, पर्सन कुछ पर्सन भी रखना चाहिए गाइस। तो अभी मैं मुझे बहुत गुस्सा आया था गाइस, इतनी सब लोग मुझे इतनी क्या बोल रहे हैं, मैं भी नहीं लगा, डर भी लगाई। तो क्या है तो ना गाइस, अभी मैं मुँह बल्कि मैंने इसमें कपड़े फेरे नहीं। गाइस अभी सब खाना खा रहे हैं, मैंने दिखा दी किसी को तो बहुत प्यारी लगती है। अब मैं यही लग रही हूँ और दूसरी बात नहीं बोल रही, तो मैं खाना खिलाऊँगी। मैंने आपको सारे खाने की कढ़ाई थी, सालन था, चने थे और दही बड़े थे, बिरयानी थी और मिक्स वेज थी, पूरियाँ थी और रोटी थी, तो ये सारी चीज़ें थी। जब मैं खाना खाने बैठूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी क्या क्या बचा है, क्या खत्म हो चुका है। गाइस मेरा लॉकेट देखें, ये मैंने नए नए कपड़े पहन के आज पहले दिन से चला के ले रहे हैं नए कपड़े पहन। आज अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो मेरे को लाइक, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाफिज़।